अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो हरिद्वार विश्व के उन चुनिंदा शहरों में शुमार हो जाएगा जहां पर पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की सुविधा मौजूद है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस विश्व स्तरीय तकनीक को हरिद्वार में शुरू करने की घोषणा की है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि डेढ़ साल के भीतर हरिद्वार में लगभग 15,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सुविधा को शुरू किया जाएगा, जिससे हरिद्वार में रहने वाले स्थानीय निवासियों के साथ यात्रियों को भी जाम से निजात मिल सकेगी। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को योजना की DPR तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। 4 माह में DPR तैयार होने के बाद सरकार योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लेगी। आपको बता दें कि पोर टैक्सी एक बैटरी से चलने वाला वाहन है जो रोपवे की तरह केबल पर चलता है। इसमें एक समय में 6 लोग यात्रा कर सकते हैं। हरिद्वार में हर की पेड़ी, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा सहित कुल स्कूलों को भी पोर टैक्सी से जोड़ने की सरकार की योजना है। कि आज की जो बैठक हुई है इसमें हमने दिल्ली मेट्रो को एक कार्य सौंपा है हरिद्वार शहर के अंदर, PRT पर्सनलाइज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे पॉड टैक्सी भी कहा जाता है, उसको बनाने के लिए DPR तैयार करनी है। तो DPR तैयार करने का कार्य DMRC को दिया गया है और आज माननीय मंत्री जी की के उपस्थिति में DMRC के साथ उत्तराखंड मेट्रो ने ये अनुबंध आज हस्ताक्षरित किया है और हमने आज उनको एडवांस जो चेक दिया जाता है मोबिलाइजेशन के लिए वो भी आज दे दिया है। तो आज से 4 महीने के अंदर इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसके आधार पर सरकार ये निर्णय ले सकती है कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसमें कम से कम हम ये बता सकते हैं कि हर की पौड़ी से और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड ये कवर करना तय है। इसके आगे इसको हम ज्वालापुर ले जाएंगे या शंकराचार्य चौक ले जाएंगे या कहीं और जाएगा, ये डिपेंड करेगा स्टडी के रिजल्ट के। इसमें हमने फर्स्ट पेज में हरिद्वार में शुरुआत की है। आज हमने जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो को इस सारे काम के लिए जिम्मेदारी दी है कि आप पूरी स्टडी करके और उत्तराखंड मेट्रो को दीजिए, जिससे कि हम इसमें निर्णय ले सकें कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। पूरे हरिद्वार में हरिद्वार दर्शन करके इसकी व्यवस्था कैसे बनाएंगे हम लोग, इस पर स्टडी करके जब आएगी तब इस पर आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। देहरादून के लिए, देहरादून के लिए हम लोग रोपवे की स्टडी करने जा रहे हैं, वहाँ रोपवे होगा और बाकी हरिद्वार ऋषिकेश के लिए हम LRT में वो भी काम शुरू हो गया है। इसका जब हमारे पास जो फिजिबल स्टडी है, जो हमारा DPR है, वो सारा आ जाएगा और आने के बाद हम लोग बैठकर जब फाइनल करेंगे तो उसका शिलान्यास होने के, इसको सेटअप को कंप्लीट होने में समय नहीं लगता, मुश्किल से 1.5 वर्ष का समय इसमें लगेगा, लेकिन 1.5 वर्ष से पहले का जो समय है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन नहीं, बजट में नहीं है ये, बजट वाला मैटर नहीं है, ये तो एक अलग से व्यवस्था है, इसमें काफ़ी खर्चा होने की संभावना बनेगी। ये लगभग अगर पूरे हरिद्वार दर्शन की हम बात करें तो ये 10-15 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का एक पूरा व्यवस्था होगी। किस फेजिस में हम कितना कितना कर पाते हैं उसको हम करेंगे, लेकिन ये काम हमने शुरुआत कर दी है।